أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद तारिक जावेद अपने YouTube चैनल पर आपसे मुखातब हूँ। हमारा अज़म है मखलूक खुदा की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाई जाएँ। आज का मौजू है मर्दों खुसूसन जवानों में छातियों का बढ़ जाना। आजकल ये मसला बहुत बढ़ गया है। जवानों की छातियाँ देखकर उनके ख्वातीन होने का गुमान होता है। हमारे चैनल पर ख्वातीन के लिए छोटे पस्तानों को बड़ा करने और बड़ी छातियों को छोटा करने के मुतालिक पहले से ही वीडियोस मौजूद हैं। मर्द हजरात इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। सीना की पसलियों के ऊपर मसल्स की एक तय है और उसके ऊपर एक दूधी तय है। मर्दों में अपने हारमोन्स के तोज़न के बायस छातियों में मौजूद गुदूद डिवेल्प नहीं करते और मर्द चूँकि जिस्मानी मशक्क़त के आदी होते हैं इसलिए छातियों में मौजूद मसल्स डिवेल्प हो जाते हैं। लेकिन छातियों के ये मसल्स ख्वा कितने ही डिवेल्प कर जाएं, ख्वातीन की छातियों की मानद उबर कर गोर शक्ल इख्तियार नहीं करते बल्कि टिक्कियों की तरह सीने से चिपके होते हैं। इन्हें दबाया जाए तो अपने स्ट्रक्चर में ये सख्त होते हैं, लेकिन हारमोनल तोज़न ख़राब होने की वजह से बाज़ुकात मसल्स के ऊपर मौजूद गुदूद बढ़ना शुरू हो जाते हैं जो मर्दाना खूबसूरती और वजाहत में कमी लाने का बायस बनते हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज में इनका हल सर्जरी है। दूसरे तरीका है इलाज में अपनी सी कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन कम ही कामयाब होते हैं। हमारे पास इस मसले के शिकार वो मरीज़ भी बगैर इलाज आए जो दो बार ऑपरेशन करवा चुके थे। ऐसे मरीज़ अगर अपने मुकम्मल और हालिंग करवाना चाहते हों तो एक ही इलाज से इनके तमाम मसाइल हल हो जाएं। फिर तो इनका परहेज के साथ असूली इलाज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी ख्वातीन की तरह बड़ी हुई छातियाँ ही कम करना चाहते हों तो इसका इलाज बहुत सादा, आसान और कम खर्च है। कोई भी घर बैठे आसानी से इस मसले का मुश्किल इलाज कर सकता है। किसी खास परहेज की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मरीज़ फास्ट फूड्स को अरसा के लिए छोड़ दे तो इसकी मेहरबानी वरना इलाज फिर भी हो जाता है। ना ऑपरेशन की ज़रूरत, ना हार्मोन्स को बैलेंस करने की ज़रूरत, ना कोई लगाने वाली दवाई, ना कोई वर्दिश। पंसार स्टोर से हड़ताल गौदंती ले लें। इसका नाम हड़ताल गौदंती तो है लेकिन इसका असल हड़ताल से कोई तल्लक नहीं। यह कोई मादनी चीज़ नहीं बल्कि सनत में बाई प्रोडक्ट के तौर पर तैयार होती है और पंसार स्टोर से नहायत सस्ती मिल जाती है। सफ़ेद रंग की डलियाँ सी होती हैं, इसी आग पर रख कर गर्म कर लें, बेशक सीधी आग में रख दें। इसके तैयार होने की निशानी यह है कि अंगूठे और उंगली से इसे मलें तो मैदा की तरह बारीक पाउडर बन जाती है। दो दो बड़े कैप्सूल सुबह दोपहर शाम सादा पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करें। दिनों में ही मर्दों की छातियाँ गायब हो जाती हैं और दोबारा भी नहीं बढ़ती हैं। मसला मुस्तकिल हल हो जाता है। अपने करीबी लोगों से भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि मखलूक खुदा का भला हो। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।